हे गाइस, कैसे आप सब लोग? स्वागत है फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जो हम वीडियो देखेंगे वो है साहिर भाई का क्यूने सेशन विद माज सफदर, और देखते बिना देरी के, और मेरे ख्याल से इसके अंदर एटीट्यूड बॉय भी है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की ये वीडियो कैसा है, और उम्मीद करते हैं हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब मत करें भाई, आप आते हैं देखते चले जाते हैं, प्लीज सब्सक्राइब भी कर दे, थैंक यू। चलते 3, 2, 1 एंड गो। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अरे के चैनल को और अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। फीवर हो रहा है, ओवर एक्टिंग करनी है, चलो कर लेते हैं। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। ये बहुत है, ये दिख रही है नहीं दिख रही, तो अब देखें। इस सीट पे बैठेंगे हमारे दोस्त शहीर खान, जो कि आज के गेस्ट है, और मैं हूं उनका क्वेश्चन आंसर वाला एंकर। तो शहीर खान वेलकम। जी जी बिल्कुल पधारिए। अबे क्या सीन कर रहे हो भाई, सच में? अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं वीडियो से पहले भाई। तो हमारे एंकर के लिए जरूरी है। अरे दादा कितना प्यारा गिफ्ट है, खुद दिखा दूंगा। हैप्पी 800K। चलो थैंक यू सो मच यार, कसम से मुझे नहीं बताया तूने स्टार्ट करने से पहले, इतनी चमड़िया मारनी थी तभी तो मैं बाहर बैठा, सारा खुशी करवा दी कसम से। बस आना हो गया क्योंकि आजकल जमाना बहुत खराब है। वो मैजिक कैंडल से वो नहीं बुझेंगे, बुझ जाएंगे, बुझा जाएंगे। शुरू करते हैं आज का क्यों नहीं सेगमेंट सेगमेंट ओके सेशन 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 ओके गॉट इट। मेरे पास है कुछ चंद सवाल जो कि मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे पूछे थे, वो है इसके मेरे पास शिफ्ट हो गए, एयर ड्रॉप कर लिए, एयर ड्रॉप कर लिए। जैसे कि तो पहली बात तो ये है कि आप बुखार और छींके इतनी क्यों आती हैं? बुखार और छींके मैंने तो सुना है बुखार और छींके सिर्फ मास को आती हैं, फिर भी वो मेहनत करता रहता है, पागल है क्या वो? कौन है ये? मास अंदर एक यूट्यूबर है, आप जानते हैं? होगा यार, होगा भाई, हमें उससे क्या यार, मेरी कोई रेस थोड़ी लगी है उससे यार। अल्लाह सबको कामयाब करे, ओहो अल्लाह सबको कामयाब करे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वापस वहीं आ गए, वापस वहीं आ गए। प्लीज मेक अ फुल डे आउट व्लॉग विद हफ्सा। सही है इंशाल्लाह, सुन थोड़ा सा बस टाइम है, मेरी तबीयत खराब है, थोड़ी सी वो सही हो जाए। इसलिए मैंने टीका लगवाया था ना, तो तबीयत खराब हो गई। वैक्सीन आप लोग भी सारे हो जाए, शहीद भी हो गया, आवाज भी हो गया, मैं भी हो गया। अच्छा अच्छा, वैक्सीन लगवाई थी, बिल्कुल लाजमी है। हुसैन और रबीका से बात क्यों नहीं करते आप और माज? हुसैन और रबीका से बात क्यों नहीं करते? देखो हुसैन थोड़ा सा मेरे, हुसैन मेरा भाई है, उससे बात क्यों नहीं करता मैं? की है मैंने उससे बात, बताओ जरूरी है, पब्लिक पे जरूरी नहीं होती है बात करना, ही नोज एवरीथिंग ओके। तो अभी रबीका का नहीं पता, मैं नहीं करता। रबीका ने पहले हुसैन को मार से दूर किया, अब आपको ऐसा क्यों? मैं इस बारे में कुछ बोलना तो नहीं चाहता। हाँ मैं पहले आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं, देख सकते हैं आप, तो ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए ही मैं इससे पूछ रहा हूँ, जो फैंस ने पूछे, अपने पास से कुछ भी नहीं बना। तो क्या था ये रबीका ने पहले हुसैन को मां से दूर किया फिर आपको, ऐसा क्यों? पता नहीं यार, मुझे मास का तो नहीं पता, खैर वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, बट मुझे किसी ने दूर नहीं किया है, बस वो मेरा भाई है हुसैन, वो हमेशा रहेगा, अपनी जान है ना वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ जल्दी जल्दी पूछो, मुझे आगे भी जाना है। कि रबीका से लड़ाई क्यों हुई? आप रबीका से लड़ाई क्यों हुई? क्यों हुई, वजह क्या बनी के लड़े रही थी? जैसे कि उसने अपने क्यों ने रिप्लाई किया कि हम लोग गए शाफ्सा के साथ और वहाँ पर पता लगा। सफर कर लेते हैं अगर रबीका की बात में दोहराऊं तो, सफर कर लो या इंसान के साथ खाना खा लो तो वाकई में सब पता चल जाता है कि कौन कैसा है। खैर उसने जो बोला, क्या बात है भाई, समझ रहे?
आपने रबीका को अनफॉलो क्यों किया है? रबीका को अनफॉलो क्यों किया है? रबीका को अनफॉलो नहीं किया, मैंने ब्लॉक किया। उसने बोला जैसे ब्लॉक किया, हाँ तो मैंने रबीका को ब्लॉक किया, कुछ वजह है तभी मैंने ब्लॉक किया। और वजह चलो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट ये तुम बताइए, मुझे एक बात बताऊँ मैं जी। एक दोस्त है, बिल्कुल हम दोनों की दोस्ती दोस्ती अब मेरी वजह से तुम्हारा कोई अगर नया दोस्त बनता है, बिल्कुल अब मेरी उससे दोस्ती खत्म हो गई, खत्म मेरी वजह से तुम्हारी बात, बिल्कुल बिल्कुल तुमसे अच्छे से नहीं, तो मुझे मुझे चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए उससे दोस्ती ना करूँ, क्योंकि शहीद का दोस्त है। हाँ सिंपल, मुझे बुरा लगा तो ओके ब्लॉक कर दिया। मुझे लगता है कि शायद जलाने के लिए, मतलब दोस्ती की गई है, जलाने के लिए नहीं है, जो भी वो उसका अपना है, लेकिन मुझे जो था मेरा पॉइंट नाम ले लेता हूँ मैं, उसने की दोस्ती तस्वीर से तो बस मुझे बुरा लगा, मैंने ब्लॉक कर दिया सिंपल लाइन से। उससे पहले वो नहीं लगाती थी स्टोरी वगैरह, उससे पहले कभी भी नहीं, और मेरी वजह से ही। जल्दी पूछो, सुबह पनवेल जाना है, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। आज का बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा आपको? बर्थडे गिफ्ट मुझे बहुत मैं एक दिन करो समझा इसमें चेक में गूगल करोड़ लेकिन 10 रुपए का वो भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 रुपए मेरे पास आज भी उसी ट्राउजर की जेब में मैंने हैंगर करके वापस रख दिया। बस मेरी बर्थडे भी आप मुझे वही गिफ्ट कर देना, वही गिफ्ट, वही गिफ्ट होता है, गिफ्ट होता है, वही नोट होगा। बिल्कुल ऐसी है अच्छा की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी और ये सारे टूट कैसे थी? रवि सेन, हाँ रवि सेन, ओके जानते हैं सेन, इसमें शहीर और रवि सेन, रवि गौर जानते हो, वैसे सब जानते हैं यार, फजूल बातें। अच्छी बॉन्डिंग थी, तो बॉन्डिंग थी सही है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं, अब इंसान की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है वो उस चीज को किस तरह हैंडल करे। देखो अगर आप कहीं हो आप दोस्ती में ना, सबको बराबर लेके चलना पड़ता है, ये नहीं होता कि अगर मैंने कुछ करना है तो वो मैंने करना है, अगर अगला चाह रहा है तो आप अगला चाह रहे हैं, मैं जो हूँ सिंपल मैं सबका दिल रखता हूँ, सही है। और ये बात और रखनी भी चाहिए, रखना भी ये बात ये भी जानता है हुसैन भाई भी जानते हैं, और अभी भी जानती है, सब जानती है, और भी मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं सब जानते हैं, अगर कोई कुछ बोलता है उसमें किसी की खुशी होती है तो मैं उसके लिए वो चीज करता हूँ, सही है। खैर ये चिंता बस इतने ही सवाल रह गए, बस यार वही ढूंढ रहा हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एक सवाल को एक में तो बहुत सारी गालियां भी है भाई, नहीं आप ऐसे हो आप ऐसे हो आप ऐसे हो आप ऐसे हो, तो भाई गालियां देने से कुछ नहीं होता, गाली का मुकाबला अगर गाली से किया जाए ना तो फिर मजा नहीं आता, सोशल मीडिया पे कर दी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसी है वरना, और ये 1000 बार एक ही क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ, वही क्वेश्चन एक बार पूछ लिया, वही ना बार बार कंटिन्यू नहीं, सारे क्वेश्चन एक ही हैं। आर यू एक्साइटेड फॉर 1M? Yes, I am so excited. 900 के होने वाले हैं, 1 million होंगे ना। इंस्टाग्राम पे इसको मैंने बोला जल्दी कर 1 million यार। बस बहुत टाइम इंशाल्लाह वापस इंशाल्लाह काम करेंगे और 1 million करेंगे। आपके लिए हफ्सा इम्पोर्टेंट है या नहीं? हफ्सा मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने मेरा साथ जितना दिया है ना शायद ही किसी ने दिया हो, एक लड़की होने के नाम से। ये देखो दोस्त में तो सब साथ देते हैं, दोस्त है एक लड़की और लड़की को कभी आप कंपेयर नहीं कर सकते, सीधी बात है, लेकिन हफ्सा ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे अच्छे बुरे वक्त में दोनों में, तो भाई अब सीन ऐसा है कि शी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी, और इंशाल्लाह बेस्ट हो, कोई सवाल नहीं पूछना, यू आर दी बेस्ट, फैंस का प्यार नहीं तो आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे? मैं फैंस को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि इसी तरह सपोर्ट करते रहे, और देखो मैं अपने फैंस को एक चीज़ स्पेशली बोलना चाहूँगा कि यार अगर किसी के फैन पेजेस आके आपके हिट कर रहे हैं ना तो आप उनको हिट ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है, इग्नोर करो, क्या होगा वो आपको आगे हिट करेंगे, यहाँ से आप हिट करोगे, देखो इसमें आप लोग की फैमिलीज भी होती हैं, आपकी फैमिलीज ने अलाउ किया हुआ, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच उन फैमिलीज का जिन्होंने अपने बच्चों को हमारे फैन पेजेस बनाने के लिए अलाउ किया हुआ, वरना शायद ही कोई करता है आजकल के दौर में, क्योंकि सब रेस में निकले हुए और सबको जीतना है, सही बात, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस रेस में जीतता वही है जो वो वाली रेस थी ना खरगोश और कछुए की, खरगोश और कछुए की ना सही, उसमें ये होता है जाहिर है कछुआ चलता है हल्के 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 हल्के, कछुआ मीन्स टॉर्टवाइज ओके टर्टल जो होता है, तो कछुआ चलता है हल्के हल्के और खरगोश चलता है, खरगोश होता है रैबिट, तो नहीं कुछ होते हैं ना यार कुछ
इंग्लिश वाले लोग भी, इंग्लिश उर्दू जो बाहर के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अब सीन ऐसा था कि कछुआ जा रहा है हल्के हल्के हल्के, खरगोश बहुत तेज तेज भाग रहा है, फिनिश लाइन के पास आ गया, उसने देखा कछुआ तो भी बहुत पीछे, उसने थोड़ी देर रेस्ट करा, रेस्ट करा, बस उसके रेस्ट में ना कछुआ कछुआ जी लिया। ओए ओए, इससे क्या स्टोरी बताइए। यही सबक मिलता है कि ज्यादा भागने से फायदा नहीं है, फायदा नहीं। इंसान अगर हल्के भी चले ना तो वो तब भी जीत सकता है, तब भी जीत सकता है। बिल्कुल। इशारा किधर है पता है अच्छे तरीके से किधर है इशारा। रैबिट भाग चुका अभी तक। अंडरस्टैंड। लेकिन जीता कछुआ, कछुआ जीता, लेकिन जीता कछुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं आगे भूल गया, ये आखिरी क्वेश्चन फिलहाल। तो आखिरी क्वेश्चन ये है कि भाई टीबीएच मी सब, टीबीएच मी सब माधव सवा यार, माशाल्लाह दोनों जानते हो, कहीं मैंने बोला अब ये बोले मी। उन दोनों से मेरा काफी पुराना बॉन्ड है और आई थिंक 4 साल तो हो गए होंगे, 4 साल तो हमारे जिसमें 5 साल होगा हमारी दोस्ती को फिलहाल, 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, 5 साल, 4 साल हमारी दोस्ती को, 5 साल उसको हो गए, नहीं उसको हमारी दोस्ती को 5 बोल रहा हूँ मैं, अच्छा, उसको 4 साल हो गए। टीबीएच मी सब तो दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं सर, क्यों सो मच, मेरा भाई भी है इसमें, सो मच। बुखार यार प्लीज आपको जम सकते, नहीं नहीं मुझे कोई बुखार नहीं यार, ब्लॉगिंग नहीं करूँ मैं, मना कर रहा हूँ ना, थोड़ा रेस्ट ले लो, लगा रहे लड़के। खैर तो जो मी सब का मी है वो ये है और सब सब है, तो मैं हम दोनों को यही बोलना चाहूंगा, अल्लाह दोनों को हमेशा खुश रखे, कामयाब रखे, आबाद रखे, और आमीन सुम्मा आमीन, आप लोग भी दुआ करें। और इन दी एंड आपको ये बताना चाहते हैं कि Q&A का मकसद हमारा क्या था और क्यों था और हमने इतना क्यों दिया, इतना ऑफेंसिव भी क्यों है, जरूरी था ये बताना, जरूरी है अब हो गया है क्योंकि, बट हम लोग ये भी अपना काम चुपचाप कर रहा था, मैं भी अपना काम चुपचाप कर रहा था, बट हम ना किसी को कुछ बोल रहे थे ना कुछ कर रहे थे, बट फिर भी हमारे ऊपर लोग आगे हमें पीट रहे थे, बस सही, हम चुप थे तो हमें गंदा करने के लिए, तो भाई मैंने जस्ट क्लियर किया, मैंने अभी भी किसी को गंदा नहीं किया है, बस वही एक तरीके से होता है ना कि जो एक्टिंग होती जैसी है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट स्पॉन वगैरह होते हैं जो मूवीज के, उस तरह से हमने बेस्टेस्ट Q&A का स्पॉन बनाया है, तो आप लोगों को शायद पसंद आया हो, तो बस वही है कि इससे किसी को हेट नहीं, मैं अपने अभी भी चैनल को बोल रहा हूँ किसी को भी, मास को भी, मेरा किसी को हेट फैलाने का मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी जो बातें मुझे बोली गई मेरे DM भरे गए, क्योंकि यार इंसान हम भी हैं, सही है, तकलीफ हमें भी होती है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी किसी को कुछ ना बोलें, अपनी जिंदगी में आप लोग खुश रहें, आवाज रहें, किसी को DM पे जाके बोलने से तुम्हारी वजह से इसकी दोस्ती खराब, तुम्हारी वजह से, भाई बस बंद कर दो ये सब, थक गए हम लोग सुन सुन के, पिछले 2 सालों से यही सुन रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है। और आपको एक बात बताता हूँ, दोस्त वगैरह कोई कुछ नहीं होता, सही है, दोस्ती आप लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पे देखी है, सोशल मीडिया यार, ये फैमिली अगर ये ब्लॉग बना रहा है अपने, तो ये अपने बना रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, अपने बना रहा हूँ, अब इसमें दोस्ती कहाँ से आ जाती है, तुमने इसके साथ नहीं बना रहे, उसके साथ नहीं बना रहे, इससे फाइट हो गई, बट इन दी एंड यही बोलूंगा कि भाई बस काम कर रहे थे हमें भी, इसको भी और सबको, और किसी को कुछ ना बोले, बस आपको पता लग जाएगा ना कौन किसी को हेट दे रहा, तो आप उसको खुद ही अपने 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 मैसेज के ना जरिए खुद बता देंगे क्या सीन है क्या नहीं है, कि आपको दिल में क्या फीलिंग है वो आपको बता, तो मैं ये बोलना चाहूंगा बस अल्लाह सबको खुश रखे, हमारी दुआएं, सुम्मा आमीन, अल्लाह मेरे सारे दोस्तों को खुश रखे, मास के सारे दोस्तों को खुश रखे, बिल्कुल और ये बोलेंगे इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर छोड़े आ गए, इधर आया, जल्दी आके बताएं क्या करें, सब्सक्राइब करें शहीद के चैनल को, और अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ये थी आज की वीडियो, और काफी कुछ क्लियर होता गया, कॉन्ट्रोवर्शियल चल रहा है कुछ ना कुछ मामला, ज्यादा तो हमें नहीं पता है, और मतलब जितना पता है समझ गए हम, बाकी आप समझाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा। मतलब मुझे ये ब्लॉग देख के इतना ही पता चला है कि ये ब्लॉग में Q&A सेशन क्यों रखा है, किसके लिए रखा है, किस पर्पज से है, तो ये सब आप जानते ही हैं, बट जो भी चल रहा है गलत हो रहा है, सब ठीक हो जाए तो ये अच्छा है, बाकी बहुत ही अच्छा लगा इनको साथ में देख के वीडियो बनाते हो, और काफी मजेदार थे, और क्वेश्चन तो बड़े अच्छे अच्छे पूछे गए थे, और अगर आप कमेंट करेंगे तो हम रविका जी का जो ब्लॉग है उनके भाई के साथ अभी रिसेंट में अपलोड हुआ है, तो उसके ऊपर भी रिएक्शन जरूर देंगे, मेरे ख्याल से आपके बोलने से पहले हम रिएक्शन दे देंगे, क्योंकि हमें जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है और हम जानना चाहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और मुझे पता नहीं था वीडियो स्टार्टिंग में कि इस तरह से ये एंड होगा, मतलब इस तरह क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इस बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है इनके बीच में, तो ये कुछ याद था।
मुझे कोई कमेंट आप चेक करते हो क्यूएनए में, बस मुझे कमेंट चेक करने की जिम्मेदारी इनकी है ना, रिप्लाई वगैरह देने की। मुझे क्यूएनए में से इतना देखा था कि आप बस नॉर्मली क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन होंगे या बहुत दिनों बाद ये दोनों साथ में आए तो मस्ती वगैरह वाली वीडियो होगी, तो मुझे नहीं पता था कुछ इतना बड़ा होगा। तो ये आज की वीडियो मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, होप करते सब नॉर्मल हो जाए, जैसे पहले वैसे हो जाए, ठीक है? तो मिलते अगली वीडियो, थैंक यू सो मच। अरे हाँ, सब्सक्राइब कर देना भाई यार, आप आते देख के चले जाते यार, सब्सक्राइब कर दो, उसके बिना मजा नहीं आता। देखते ना एक ही जगह रुका हुआ हमारे वो लगे जो भी सब्सक्राइबर है, तो बहुत बुरा लगता है यार, ठीक है? मेहनत कर रहे हैं, चार चार पांच वीडियो आपको रोज मिल रही है, उम्मीद करते हैं कि रोज मिलती भी रहेगी, तो प्लीज यार सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई प्लीज, ठीक है? मिलते अगले वीडियो में।